सेवन पठानिया उर्फ सतनाम पठानिया का पंजाबी गाना इन दिनों YouTube पर खूब छाया है। खासकर पंजाब के युवा इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पठानिया ने द वीकनिंग से संगीत के क्षेत्र में कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला गाना सारा दिन कम्मा च लंगदा दिन आए पंजाब, जो पंजाबी युवाओं की जुबान पर है। अब इस गीत का वीडियो भी धूम मचाने के लिए मार्केट में आ गया है। मात्र एक दिन में ही YouTube पर करीब 50,000 लोगों ने इस गाने को देखा व सुना। इससे पूर्व गाने की वीडियो के ट्रेलर को भी युवाओं ने खूब सराहा था। पठानी के गीत को न केवल पंजाब में ख्याति मिली है, जबकि हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों में भी इसे पसंद किया जा रहा है। सेवन पठानिया ने कहा कि 15 दिसंबर को उन्होंने द विगनिंग से अपने संगीत के कैरियर की शुरुआत की है। पंजाबी गीत सारा दिन कमच लंगदा दिना एके बोल रास ने लिखे हैं, जबकि गीत के वीडियो में सिमरन के तौर पर फीमेल आर्टिस्ट की भूमिका निभाई है तथा जानी वीक ने म्यूजिक दिया है। राहुल प्रोडक्शन के बैनर तले गीत का वीडियो को सनी नाहर के निर्देशन में तैयार किया गया है। मॉन्टी शर्मा ने इसे एडिट किया है। गाने का वीडियो मजीठिया फॉर्म हाउस और चंडीगढ़ आईटी पार्क में बनाया गया है। पठानिया ने कहा कि उनका अगला प्रोजेक्ट फास्ट बीट पर होगा, जिसमें पंजाबी और हिमाचली गीतों का मिश्रण दर्शकों को देखने को मिलेगा। सिवन पठानिया उर्फ सतनाम पठानिया कांगड़ा जिला के कोटला के समीपवर्ती सोलदा गांव से संबंध रखते हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुख्य मोटिव ये था कि जो मेरी ऑडियो थी द बिगनिंग सारा दिन कम्मा चलता लेना है, उसका आज पिछले कल उसका वीडियो जो है वो SMI कंपनी के माध्यम से लॉन्च किया गया, YouTube पे आया। बहुत अच्छा रिस्पांस जो था वो लोगों का रहा। सबसे पहले मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि मात्र 21 घंटों में जो व्यूज थे वो 48,000 उन्होंने पहुंचाए, और ये वीडियो जो जोश चैनल पे मंडे को रिलीज हुई थी पिछले कल YouTube पे आई है, और ये सारे ही प्रदेश में पता चले कि उनके एरिया का कोई बंदा जो है वो इस तरह की कोशिश कर रहा है। इस ही मोटिव को ध्यान में रखते हुए ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी सर, इसमें बताया गया कि कल्चर को मेरे साथ भी मोटिव किए जाएंगे। जी बिल्कुल, मेरी ना एक अपनी कोशिश रही है कि मैं हिमाचली कल्चर जो है वो उसको बड़ी बुलंदियों पर लेके जाऊं, तो इसीलिए अब जैसे जैसे लोग जानने लगेंगे कि सेवन पठानिया कौन है, हमारे हिमाचल का एक नाम बन जाएगा, उसके बाद मैं अपने हिमाचली संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, सभी से हिमाचलियों से मेरा ये अनुरोध है कि इस मुहिम में वो मेरा साथ दें कि हमारा कल्चर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाए। थैंक यू।